सो नाउ लेट्स सी द माइंड मैप ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही इजी टॉपिक है, बट यू हैव टू हैव अ प्रॉपर कमांड ऑन द कैलकुलेशंस. सबसे पहला टॉपिक है मीन, मीन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. क्लास 9 में आपने अनग्रुप्ड का पढ़ा था, क्लास 10 में मीन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. मीन क्या होता है? मीन इज बेसिकली द एवरेज. इसमें आपके दो मेथड्स हैं, नंबर वन डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में मीन क्या होता है? मीन एक्स बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई. एक्स आई तो आपको पता ही है, एक्स आई इज द क्लास मार्क और मिडिल वैल्यू, एंड एफ आई इज द करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी, एंड सिग्मा मतलब सबका सम या सबका समेशन. तो मीन इज सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई. ओके, एंड दूसरा है कि अगर कैलकुलेशंस को थोड़ा सा शॉर्ट रखना है, लेस कॉम्प्लिकेटेड रखना है, तो यू हैव टू यूज अज्यूम मीन मेथड. तो अज्यूम मीन मेथड में हम एक नंबर को अज्यूम मीन कर लेते हैं, और इसका फॉर्मूला है कि मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई. इसमें एक नया टर्म है डी आई. डी आई इज वॉट? डेविएशन, है ना, कितना डेविएशन है आपका अज्यूम मीन से. तो ये था मीन के बारे में. नेक्स्ट इज मीडियन. मीडियन क्या होता है? द मिडिल मोस्ट डेटा. कई बार आपका एवरेज निकालना पड़ता है, कई बार आपको मिडिल मोस्ट डेटा निकालना पड़ता है, एंड कई बार आपको डेटा ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत है, बिकॉज दीज आर द डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो मीडियन इज मिडिल मोस्ट डेटा. इसका फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच. और ऑब्वियसली एल क्या है? एल होता है इसमें क्या, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. एन इज द टोटल नंबर, सी एफ इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. जो मीडियन क्लास है उसके ठीक ऊपर वाले का जो फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज सी एफ. एंड एफ क्या है? एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. एंड वॉट इज एच? एच इज द क्लास साइज. तो इफ यू नो ऑल द थिंग्स एंड बाई सब्स्टिट्यूटिंग यू कैन फाइंड द मीडियन. एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड कि अगर कोई डेटा क्वेश्चन है जिसमें कि आपको कुछ अननोन डेटा दिया हुआ है और मीडियन दिया हुआ है, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द अननोन थिंग ऑल्सो. नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मोड, दैट इज डेटा ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना. इसका फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाई टू एफ जीरो माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच. तो इसमें एल क्या है? एल होता है लोअर लिमिट ऑफ द जो डेटा ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. एफ वन उसी क्लास का फ्रीक्वेंसी, एफ जीरो उससे ठीक ऊपर वाला, एंड एफ टू क्या है? एफ टू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द थिंग विच इज जस्ट बिलो द मॉडल क्लास. एंड एच क्या है? एच इज द क्लास साइज, है ना. तो यूजिंग ऑल द थिंग्स यू कैन फाइंड मोड. एंड कभी कभी आपको ये भी दे सकता है इम्पेरिकल फॉर्मूला का यूसेज. व्हाट इज इम्पेरिकल फॉर्मूला? इम्पेरिकल फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला कनेक्टिंग मीन, मीडियन एंड मोड. सो व्हाट इज द इम्पेरिकल फॉर्मूला? मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन. तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना. यू शुड हैव अ प्रॉपर कमांड ऑन ऑल द टॉपिक्स. ओके.